गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई अनदर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं अपने बिस्तर को ठीक कर रही हूँ, उसके बाद फ्रेश होके मैं आ गई छत के ऊपर वॉक करने के लिए। ये देखिए गाइस, सुबह सुबह गंदाछरा का नज़ारा, एकदम शांत वातावरण। थोड़ी देर टहलने के बाद मैं आ गई फिर से नीचे। अब मैं ब्रेकफास्ट करूंगी। ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं फिर बाकी काम करूंगी। तो दोस्तों, अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ। आज मैं लंच में बनाऊंगी ब्लैक मशरूम। इसके लिए सबसे पहले मैं ब्लैक मशरूम को अच्छे से पानी से धो रही हूँ। धोने के बाद ही इसे काटूंगी। सो गाइस, मैंने सुना है ये ब्लैक मशरूम जापान में बहुत ही एक्सपेंसिव है। हमारे यहाँ विपासना सेंटर में एक साधक आए थे जापान से, उनके पास से ही मैंने ये बात सुना है। अच्छे से धो लिया है, अभी मैं इसको काटूंगी। देखते रहिए आप लोग। इसको सिर्फ यहाँ से ही फेंकना चाहिए, बाकी सब आप खा सकते हो। अंदर का सिर्फ पानी ही है, ज्यादा छोटा करने की जरूरत नहीं है, इतना छोटा ही काफी है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने ब्लैक मशरूम को अच्छे से काट लिया है। अभी मैं फिर से एक और बार पानी से इसे धोऊंगी, उसके बाद ही कुक करूंगी। देखिए गाइस, ये तो आप लोगों ने कल देखा ही होगा, ये मैं कल घर से लेकर आई थी। सोचा था आते ही पकाऊंगी कल, लेकिन नहीं हो पाया, मैं थोड़ा बिजी हो गई थी घर साफ सफाई करने में, तो इसे मैं आज ही पकाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसको साफ करूंगी। कढ़ाई अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें दे दूंगी थोड़ा सा तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें दे दूंगी चॉप्ड ऑनियन। अभी इसमें ऐड करूंगी टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट। अभी ऑनियन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटा हुआ मशरूम। तो आप देख सकते हो गाइस, मशरूम में से अपने आप ही पानी निकला है। अपने आप निकला हुआ पानी अच्छे से सूखने के बाद ही बाद में फिर से थोड़ा और पानी दे दूंगी इसमें। सो मैं अभी मशरूम में थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरा ब्लैक मशरूम ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बेसिल लीव्स और यहाँ पे देखिए मेरा ब्लैक मशरूम तैयार हो चुका है। और ये है एक और मशरूम, आज इसको भी मैं कुक करूँगी। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करूँगी चॉप्ड ऑनियन, टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा ज़्यादा करके ग्रीन चिली पेस्ट। अभी इसमें दे दूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और आखिर में इसमें दे दूंगी थोड़े से बेसिल लीव्स। फिर मैं इसको अच्छे से मैरिनेट करूंगी। मैरिनेट करने के बाद इसको एक पैन में दे दूंगी। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, फिर इसका ढक्कन लगा के इसे गैस में चढ़ा दूंगी। मशरूम के पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैं गैस की आंच को थोड़ा कम कर दूंगी। और यहाँ
पे देखिए गाइस, मेरा दूसरा वाला मशरूम भी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अभी मेरे मशरूम में से एकदम स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। और ये वाला मशरूम भी मेरा बनके तैयार है। एक और कढ़ाई में मैंने लिया है थोड़ा सा पानी। अभी इसमें दूंगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा ग्रीन चिली पेस्ट और आखिर में चॉप्ड ऑनियन। पानी अच्छे से उबल रहा है। अब मैं इसमें दे दूंगी लौकी के स्टेम। और आखिर में ये लौकी के स्टेम की सब्जी भी बनके तैयार है। और ये है मेरा आज का सिंपल थाली। दोपहर को यहाँ पे बहुत जोरों से बारिश हुआ था और आज का वेदर एकदम ही ठंडा हो चुका है। ये मेरे हस्बैंड साइट विजिट करने गए थे, वहाँ से लेकर आए हैं। और क्या क्या लेकर आए हैं मैं दिखाती हूँ। ये लवली वाले बैम्बू शूट, इसका मैं कल एक हो सके तो कल इसका एक अलग सा रेसिपी बनाऊंगी। अगर आप लोगों को देखना है तो मेरा कल का वीडियो जरूर देखिएगा। और ये बनाना मैंगो 1 किलो लेकर आए है, 1 किलो 200 रुपीज़ का। मैंने तो वीडियो में दिखाया था ये भी एक प्रकार का मशरूम है। और ये देखिए हम लोगों का ब्लैक मशरूम और है। और दिखाती हूँ, यहाँ पे इतने सारे। ये एक्चुअली हम लोग सन ड्राई करेंगे और इसको हम इसके 2 पीस करके इसे हम सन ड्राई करके खाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ।